पर इजी था, जल्दी खत्म हो गया 1 घंटे पहले। अच्छा 1 घंटे पहले कर दिया। इंग्लिश का पेपर था, लैंग्वेज का तो ऑब्वियसली आपको इसमें बेनिफिट मिला होगा क्योंकि आपका इंग्लिश मीडियम ही है। हाँ जी, इंग्लिश का इजी रहता है। हाँ इजी रहता है। कैसे सवाल थे क्या? लास्ट ईयर का जो पैटर्न था, मतलब सवाल पेपर था वैसा ही था या फिर कुछ हटके पूछा इस बार के लैंग्वेज पेपर में? वैसे ही रहता है, ऐसे था एक, एंड क्वेश्चन थे, एंटोनिम्स पूछे थे, एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स एंड करेक्ट करना सेंटेंसेस को, तो थोड़ी बेसिक इंग्लिश की नॉलेज होगी तो कर लोगे। मैं आपके हिसाब से जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश लैंग्वेज पेपर में, वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं कई लोग, तो मैं आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूंगा कि वो लोग जो हिंदी मीडियम वाले, वो लोग कैसे तैयारी करें इंग्लिश लैंग्वेज की, मतलब ओके इंग्लिश लैंग्वेज की रीडिंग, बेसिक रीडिंग, एंड देन जैसे बोलते हैं सीरीज देख लो, देन यू विल गेट अ नॉलेज अबाउट इट कि क्या क्या कहाँ यूज होता है। रीडिंग से आई थिंक इज द बेस्ट थिंग, आप रीड कर सकते हो, इंग्लिश पेपर में भी हेल्प मिलेगी उससे, बाकी पेपर से। किन किन चीजों पर, किन किन बातों पर ध्यान, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए लैंग्वेज पेपर के दौरान, इंग्लिश लैंग्वेज पेपर के दौरान, ताकि कम से कम क्वालिफाइंग तो है ही, तो क्वालिफाइंग तो कर लिया, क्योंकि अगर मान लो क्वालिफाइंग नहीं हुए तो पूरी मेहनत ही खराब हो जाती है ऑब्वियसली। जैसे हिंदी में हम लोग को दिक्कत होती है कुछ टर्म्स में, वैसे जो मतलब हिंदी वाले हैं तो उन्हें कुछ टर्म्स पता होने चाहिए जो इंग्लिश में बोलते हैं, राइट। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, हिंदी में क्या बोलते हैं तो हमें दिक्कत होगी, इन द सेम वे जो हिंदी मीडियम वाले उन्हें इसका मतलब इंग्लिश मीडियम मतलब पता होना चाहिए, जैसे हम हिंदी का पता होना चाहिए, तो उसमें और बाकी बेसिक रीडिंग से हो जाएगा, मतलब इतना टफ नहीं आता है पेपर। अच्छा, तो क्या अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत पड़ेगी क्या इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर की तैयारी के लिए, लाइक बहुत सारी चीजें ऐसे के अलावा भी, पैसेज के अलावा भी, लाइक जैसे हिंदी में मुहावरे आते हैं, शब्दों के अर्थ अंतर डिफरेंसेस वगैरह करने होते हैं, इन सब चीजों के लिए क्वालिफाइंग तो इतने सारे तो आते नहीं है, मतलब बेसिक 5-10 नंबर का होता है, तो उसके लिए मुहावरे तो इतने सारे पढ़ेंगे नहीं, तो बेसिक अगर आप रीडिंग हैबिट डेवलप करते हो तो जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें क्या आएगा तो इंट्यूशन से ही पता चल जाता है, अगर इफ यू हैव बेसिक नॉलेज अबाउट इंग्लिश, तो इंग्लिश को थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा। और ग्रामर पर फुल फोकस करना पड़ेगा या थोड़ा बहुत से काम चल जाएगा? थोड़ा बहुत से काम चल जाएगा, बहुत डिटेल ग्रामर नहीं आती, बेसिक जो स्पीकिंग इंग्लिश में होती है उसी से ही पता चल जाता है, बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल रूल्स नहीं आते। मान लो जैसे किसी को इंग्लिश लिखनी बोलनी नहीं आती है तो क्या वो बना बनाकर सेंटेंस लिखेगा उल्टा सीधा थोड़ा सा चल जाएगा क्या, काम चल जाएगा ग्रामेटिकल प्रॉब्लम पर ध्यान देंगे, लाइक सेंटेंस बना दिया जो पूछा जा रहा मतलब समझ में आना चाहिए, या फिर फुल फोकस्ड ग्रामेटिक चीजें वहां पर होनी चाहिए? वो तो ऐसे लिख रहे हो तो ग्रामेटिकल करेक्ट होना चाहिए, बाकी एग्जामिनर पे डिपेंड करता है वो कितना फोकस कर रहा है आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक पे, आई कांट बी द जज इन दिस केस, राइट। तो भैया अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अरुण मालविया है। अच्छा, कौन सा मीडियम है आपका? मेरा हिंदी मीडियम है। अरे वाह, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट ही मैं ढूंढ रहा था कब से। पहले अपना अटेम्प्ट बता दीजिए, कौन से अटेम्प्ट है और मेंस कौन सी बार लिख रहे हैं? यार ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है और पहला मेंस है। अच्छा, दूसरा अटेम्प्ट और पहला मेंस, और वो भी हिंदी मीडियम से, वाह क्या बात है, गजब, एकदम कहते हैं ना यू मजे कर दिया आपने। अच्छा, तो क्या कैसा लगा मेंस लिखकर? लगभग हो ही गया है, ऑप्शनल बचा है, तो अभी तक का थोड़ा सा मैं जानना चाहूँ कि कैसा लगा मेंस लिख करके आपको? बढ़िया लगा, मजा आया? पहली बात तो ये बताऊं कि आपने जैसा भी बोला कि अभी हो गया है, वैसा नहीं है, अभी ऑप्शनल सबसे बड़ा गेम होता है, तो वो बचा हुआ अभी, वो कल है, बाकी अभी जो जीएस के पेपर और एसए का पेपर हुआ और आज लैंग्वेज का पेपर हो गया, लैंग्वेज तो क्वालिफाइंग होता है, तो आज ठीक था, मतलब आज शानदार दिमाग से थे सब लोग। ओके, अच्छा भैया आप हिंदी मीडियम से हैं तो ये इंग्लिश का पेपर था, इंग्लिश लैंग्वेज का, तैयारी आपने कैसे करी, क्या अलग से कुछ एफर्ट लगाना पड़ा इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, क्या क्या दिक्कतें आती हैं हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर को क्वालिफाइंग करने में? देखो मतलब दिक्कत आई वो आई ग्रामर वाले पोर्शन में, जैसा कि मेरे को लगता है, बाकी जो प्रेसी होती है, जो ऐसे होता है और जो जो पैसेज होता है वो आप कर सकते हो आसानी से, क्योंकि वो उसी में टाइम एक तो पर्याप्त होता है, तो 2-3 बार आप रेटिंग मार लो। अच्छा। और हो जाएगा। अच्छा, सीसीटी वाले जैसे पैसेज होते हैं वैसा नहीं होता, घुमावदार जैसे यूपीएससी पूछ लिया? नहीं यार, इस बार तो जैसे ब्रिटिशर्स के ऊपर आया था तो वो सीधा सीधा था कि वो किस तरीके से इंडियन सोसाइटी को सभ्य बना है, सवाल निकल रही थी उस तरीके से। हाँ, मतलब सेंस बन रहा था, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं था उस तरीके से। आगे ग्रामर वाला पोर्शन जो होता है वो थोड़ा देखना होता है, उसको करना होता है, अब जितना बन जाए, जितना स्कूलिंग किए उतना ठीक है, क्योंकि 75 नंबर लाना अल्टीमेटली, उतना हो जाए बस खत्म। 300 में से 75 नंबर लेके आना, तो बस तो ये तो 25% हो गया, 33% तो कहते हैं 33% लाने हो। सी सेट में होता है 33, इसमें भी लैंग्वेज में भी नहीं, 25% लाना होता, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, आपने तैयारी कैसे करी थी इंग्लिश की लैंग्वेज के पेपर की, या कुछ अलग से पढ़ा था क्या इसके लिए, कोई बुक्स पढ़ी हो या फिर डेली न्यूज़पेपर ही पढ़ा हो, कुछ अलग से कुछ चीजें? यार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे थे
और सच बताऊं तो लैंग्वेज के लिए मैंने लास्ट में ही पढ़ा है, मतलब एक ऐसा स्टार्टिंग से नहीं पढ़ रहा, क्योंकि और भी सब्जेक्ट है, सबके अपने अपनी वो होती है, वैल्यू होती है, उसके हिसाब से सबको देना होता है टच, क्योंकि ये पढ़ोगे तो फिर और भी छूट जाएगा। जैसे 5 दिन की अभी 6 दिन की छुट्टी थी तो उसमें भाई हम लोगों ने, मतलब मैंने ऑप्शनल भी पढ़ा है अच्छे तरीके से, तो यही है कि जितना उसका वेटेज है उतना ही उस पर ध्यान दो, जो उस पर पढ़ते रहो तो उससे हो जाएगा। बाकी ग्रामर पे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, जैसे PYQ में उसने जो पूछे वही सेम चीजें आज भी रिपीट हो। क्या कुछ था बताइएगा जरा। जैसे टू को रिमूव करने का प्रयोग हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच हो गई, ठीक है, और इसके बाद कुछ ग्रामेटिकली जो मिस्टेक्स होती है उसको सही करना है वो हो गया, कुछ मुहावरे जो होते हैं उसका प्रयोग करना है वो हो गया, और मतलब इसी तरीके से थी चीजें, सिंपल सिंपल चीजें थी, कैन कोड का प्रयोग, वोड का प्रयोग और ये सभी चीजें थी। आपने कुछ अलग से मतलब तैयारी के दौरान क्या लैंग्वेज की तैयारी करी थी, या फिर अभी इन 5 दिनों के बीच में इन्हीं दिनों में कुछ पढ़ा था इंग्लिश लैंग्वेज के लिए? इन्हीं दिनों में ही पढ़ा है मैंने इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, पर इससे पहले मैंने PYQs देखे थे इसके, क्योंकि वो देखना जरूरी होता है, उससे आइडिया लगता है। और जैसे मैंने CAPF का एग्जाम भी दिया है तो उसमें सेकंड जो पेपर होता है वो इंग्लिश का ही होता है, तो उसकी इंग्लिश और इसकी इंग्लिश लगभग सेम होती है। अच्छा। तो आसानी होती है थोड़ी सी। अच्छा अच्छा, एक और चीज मैं जानना चाहूंगा क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स अगर लैंग्वेज की तैयारी ना करें, अलग से ना करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो वो क्या क्वालिफाई यहाँ कर सकते हैं? मतलब यार पेपर तो देखना पड़ेगा ना भाई, पेपर आ कैसा रहा ये तो पता होना चाहिए कम से कम आपको। ये तो पता चले कि आप लोग यहीं आके एग्जाम में आके देख रहे हो कि क्या है क्या नहीं, फिर आपको समझ में आपको, जैसे मैं CAPF का एग्जाम दिया था, मेरे को वहाँ पता चला था जो प्रेसी होता है उसको गड्ढे में लिखना होता है, एक स्क्वायर बना होता है उसमें लिखना होता है, तो ये मतलब पहले आप देख लोगे तो आसानी होगी, मतलब आप उसके फ्रेंडली हो जाओगे कि इस तरीके से चीज़ें होती है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो देखना जरूरी है। अच्छा, एक और चीज़ जैसे कि एस्से लिखने के लिए आता है यहाँ पर, है ना, तो क्या ऐसे में, अब चूंकि हिंदी में जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं वो तो फिलो से लिख देते हैं, लेकिन क्या इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना, क्योंकि ग्रामेटिक चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा, ग्रामर का ध्यान रखना होगा, क्या अगर मान लो फिलो में वैसे ही लिख दे बिना ग्रामर के, या कुछ कुछ थोड़ा बहुत चल जाता है, या फुल ग्रामर पर ध्यान देना होगा? यार मेरा तो पहला ही अटेम्प्ट है, तो मैं करके आया हूँ अभी, और मतलब बेसिक जो टेंस होते हैं उसका ध्यान रखना होता है, बाकी बहुत एक्यूरेट इंग्लिश हो ऐसा मतलब मुझे तो नहीं लगता कि इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है, बस आपके सेंटेंस बस ठीक हो। सर अपना नाम बता दीजिए। मयंक भारद्वाज। अच्छा, ये आज इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर था, तो कैसा हुआ? इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश दोनों का पेपर था, तो पेपर काफ़ी इजी था, बहुत अच्छा पेपर था, ऐसे के टॉपिक्स भी बहुत अच्छे थे, और मतलब बहुत रिलेवेंट इश्यूज थे, तो इन जनरल मैं कहूँगा पेपर मतलब उतना टफ नहीं था। टाइम पर पूरा हो गया था क्या पेपर? हाँ टाइम पर हो गया था, इनफैक्ट टाइम से पहले हो गया था जी। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ू सवालों पर, मैं आपके ये कौन सा अटेम्प्ट है वो अटेम्प्ट समझना चाहूंगा, आपका अटेम्प्ट और ये मेंस कौन सा लिख रहे हैं आप? एक्चुअली ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट है, बट मेंस फर्स्ट है। अच्छा, पहली बार मेंस लिख करके, अभी तो लगभग पूरे हो गए, ऑप्शनल रह गया। कैसा अभी तक का क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा लगा, मजा आया लिखने में? हाँ बहुत नया एक्सपीरियंस है, एक मतलब अलग ही थ्रिल होता है मेंस लिखने का, तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है, बाकी कल का ऑप्शनल का वेट कर रहे हैं। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा इस लैंग्वेज पे आने से पहले ये और जानना चाहूंगा कि आपको क्या क्या दिक्कतों का कुछ सामना करना पड़ा क्या मेंस के दौरान? सर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इन जनरल सब अच्छा रहा है, बाकी मतलब सब कुछ ठीक है, एज इन कोई इशू है नहीं उस तरीके का। अच्छा, तो अभी लैंग्वेज का पेपर था इंग्लिश का। हाँ। आप मीडियम आपका इंग्लिश ही होगा? बिल्कुल इंग्लिश मीडियम है। अच्छा, तो इंग्लिश मीडियम वाले तो इंग्लिश का तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश में ही करते हैं, इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, इंग्लिश में ही लिखते हैं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाहूंगा, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो तैयारी को कैसे करें? एक्चुअली 2-3 टेक्निक्स हैं जी। एक तो इंग्लिश की थोड़ा ग्रामर पे फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज ग्रामर के मैं क्वेश्चंस देख रहा हूँ, कई इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं जो हम लोगों को भी मतलब उतना कई बार आइडिया नहीं होता, मतलब कुछ कुछ ऐसे ऐसे मतलब टॉपिक्स दे देते हैं वो जो मतलब नहीं पता होता। एक तो ग्रामर पे फोकस करना पड़ेगा जी। दूसरा ये कि मतलब ऐसे लिखने की हैबिट हमें तभी आ पाएगी जब हम मतलब या तो डेली न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डालें, या फिर मतलब अच्छे अच्छे एसेज पढ़ें, तो वो जरूरी है। कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग का भी उसी से हैबिट बन पाता है, तो ये सब चीजें जरूरी है। सर एक और चीज, क्या कोई स्पेसिफिक बुक्स पढ़ने की जरूरत पड़ेगी क्या, या फिर न्यूज़पेपर अगर पढ़ लिया जाए और थोड़ी सी जो जनरल चीजें हैं ग्रामेटिक प्रॉब्लम्स को दूर कर लिया जाए, तो क्या यहाँ पर जो इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफाइंग होता है तो क्या वो क्वालिफाइंग हो जाएगा? देखो इन जनरल मतलब कोई ऐसे मैं स्पेसिफिक बुक नहीं कह सकता जी, बट हाँ ये जो जनरल चीजें हैं, ग्रामर पे फोकस करना, न्यूज़पेपर रीड करना जी, ये बहुत बेनिफिशियल होगा।